डॉक्टर वर्षा, आपने ये बिल्कुल अच्छे से समझाया, पर और थोड़ा डिटेल, मतलब स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन विच काइंड ऑफ आई डिजीजेस, हम क्या केसेस ले सकते हैं? मैं ऐसा मानती हूँ कि ऑप्थल के किसी भी केस को आप होम्योपैथिक से ट्रीट कर सकते हैं, अगर आपको उसका बेस पता है, उसके कॉजेशंस पता है, उसको ठीक अच्छा, करना आना चाहिए। ओके, सेकेंड, कभी भी खुद डिसीजन मत लीजिए कि पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आईज में काफी कुछ साइलेंट फेज पे चलता होता है, तो आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आपके पहचान के हो या उनके साथ रह के आप काम कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, कुछ मेरे कॉलीग्स जिनके साथ मैंने काम किया हो पहले, वो अहमदाबाद में ही है, तो मैं रिव्यू के लिए उनके पास भेजती हूँ ताकि मुझे भी अच्छा, एक आइडिया आए कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पर स्टिल मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा अपने पास रखती हूँ, मतलब कुछ अच्छा इक्विपमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं हैंडी, जो आप भी रख सकते हैं अपने क्लिनिक में। अच्छा जैसे कि ये है स्ट्रिप, जो अगर व्यूअर्स को दिखाई दे रहा हो, तो इसमें छोटे छोटे लाइनिंग्स, जैसे स्किन में लाइनिंग्स होते हैं वैसे होते हैं। ये ड्राई आई स्ट्रिप्स है, ये ड्राइनेस चेक करने के लिए होता है इसका, अच्छा आपको पता है। तो अभी मैक्सिमम लोग जो है वो ड्राई आई से बहुत सफर कर रहे हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि आंख में ऐसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन आ रहा है, पूरे दिन चिपड़े आते हैं, हाँ आंख में ऐसे रेसे जैसे निकल रहे हैं, हमें शाम तक थकान ज्यादा लगती है आंखों में। ऐसे पेशेंट्स में ड्राई आईज बहुत कॉमनली होता है। ये अच्छा स्पेशली बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज करने की वजह से, रात यस को लाइट गुड इल्यूमिनेशन में अगर आप नहीं है, फिर भी मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, गैजेट्स यूज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट गैजेट विदाउट ब्लिंकिंग, जब अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो आप इतना इंटरेस्टेड हो गया आप ब्लिंक करना छोड़ दिया, यस दैट इज तो इवन आपका लेक्रिमल ग्लैंड जो है वो प्रॉपर सिक्रेशन नहीं करता है। अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं एक शेयर करना चाहूंगी व्यूअर से, हाँ कि टीयर्स रोते समय निकले वो टीयर्स नहीं होते हैं। टीयर्स इज अ अच्छा कॉन्स्टेंट प्रोसेस, 24/7 आपकी आंखों में बनते रहते हैं। हाँ जब आप रोते हैं तो वो ज्यादा सिक्रीट होते हैं, इसलिए आपके अंदर बाहर आ जाते हैं। जैसे आपने ड्रॉप्स डाले, एक ड्रॉप से ज्यादा जब डालते हैं तो आपके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यस हमारी आईज के अंदर एक ही ड्रॉप जा सकता है। तो हमारे ड्रॉप्स जो टीयर्स के होते हैं वो उतने ही कंटेंट कर सकते हैं। जब हम रोते हैं तो एक्सेसिव हार्मोन्स की वजह से वो ज्यादा स्टिमुलेट होता है ग्लैंड, और एक्सेसिव वाटर बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है कि जब ब्लिंक नहीं करते ना, तो वो टीयरफिन बन नहीं पाती है प्रॉपरली, और जिनके अंदर ओमेगा 3 की कमी बहुत ज्यादा होती है उनमें भी ड्राई आईज की कंप्लेंट रहती है। अच्छा तो अगर आपके पास ड्राई आईज के पेशेंट आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट जो है कि आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स या खाने पीने में ओमेगा 3 का यूसेज कीजिए, उसके लिए आप राजन मामा को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नहीं ही नहीं अच्छी फैट डाइटिशियन, विटामिन ए के हिसाब यस से उसको उसको भी एक अच्छी फैट चाहिए विटामिन ए को काम करने के लिए, इसलिए आप बोल यस रहे हो। तो ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड, गुड फैटी एसिड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड है गैजेट्स, जब भी आप यूज करें तो every 30 मिनट्स आप आंखों को ब्लिंक करने का एक एक्सरसाइज कीजिए। ये चीजें अगर आप करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम ये स्ट्रिप का यूज करते हैं। हाँ इसको फोल्ड करके आंखों के लीड पे रख देना है, लेकिन आधा घंटे तक आपको मतलब कुछ मतलब ड्रॉप्स ऑप्स ना डालो उसका ध्यान रखने का। अच्छा और आपको वो स्ट्रिप को आंख के अंदर ऐसे पुट ऑन करेंगे, 3 to 5 मिनट्स आप रख के रखिए। जितना आपका वेट होता है स्ट्रिप, हाँ वो मार्कर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसको ड्राई आईज है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड कौन सा? डिसाइड जैसे 15 के नीचे आया तो वो ड्राइनेस की तरफ जा रहा है, 15 से ऊपर 20 के आसपास आता है तो वो नॉर्मली पेशेंट को ठीक है। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि अगर आपको ठीक से रखना नहीं आया तो वो इरिटेट करेगा और ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा पानी निकलेगा तो वैसे भी पेशेंट को ड्राई आईज होगा, फिर भी आपको नहीं समझ में यहाँ फ्रेंड्स 5 to 35 तक मार्क है। हाँ तो तो वो फिर फिर हम उस पर भी तो वो देखते प्रॉपर हैं कि पेशेंट डायग्नोस रहेगा है। ड्राई आई का ये नहीं, स्लिट लैंप पे भी आप चेक करवा सकते हैं, अच्छा ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन पे वो यूजुअली बता पर ही वी देते हैं कैन आपको। ट्रीट ड्राई आई यस हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि जैसे कि ड्राई आईज में जो पेशेंट को कंप्लेन होती है, तो फ्यू ऑफ द मेडिसिन लाइक नेट्रोम्यूर फॉर अच्छा एग्जाम्पल, बेलेडोना, दिस आर वेरी वंडरफुल रेमेडीज फॉर ड्राइनेस। अच्छा ब्रायोनिया इज अ वंडरफुल रेमेडी, यू नो ब्रायोनिया हैज अ ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर दूसरे मैच को हो रहे हैं सिम्टम्स, यू कैन ट्राई फॉर ब्रायोनिया, तो व्हाई नॉट हम गिव इट। आपने दिए और हम दे भी सकते हैं और रिजल्ट भी मिलता है यस अलोंग विद जो कंजर्वेटिव हेल्थ मतलब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैम ने बताया वो यस भी हमें करना एक है। और जो मॉडिफिकेशन है, मैं वैसे तो बाद में बात करने वाली थी इसके लिए, लेकिन हमें सुबह उठ के इंडियन फैमिलीज को आदत है आंख के अंदर पानी की छलक मारने की, मतलब सुबह उठे मुंह धोया तो आंखों के अंदर पानी डालते हैं हम कि ठंडी रहे आंख, उसकी वजह से हमारी टीएफएम टूट जाती है और उस वजह से ड्राइनेस बहुत रहती है। अपने आंखों में कभी पानी मत डालिए, कभी भी नहीं, कुछ भी मत डालिए। आपकी आईज के अंदर टीयर्स इतने ज्यादा पोटेंट है कि वो आपको इन्फेक्शन होने ही देंगे, बल्कि ये म्युनिसिपैलिटी का पानी आपको ज्यादा इन्फेक्टिव करता है। पर हम तो आप बिल्कुल ऐसे ही देखिए बड़े हुए जैसे हाँ, ये इंडियंस देखिए उस समय के पानी की क्वालिटी में और अभी के पानी की क्वालिटी में चेंजेस है। सेकेंड, यस
अभी एटमॉस्फेरिक चेंजेस बहुत ज्यादा है. सेकंड, आपकी जो टियरफम्स है वो बहुत डेलिकेट होती है. सबसे पहले आपकी टूटती क्या है, टियरफम्स टूटती है. अच्छा. तो वो क्या करती है, जब भी वो डैमेज होगा तो आपका लाइसोसोम चला जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए, वायरल इन्फेक्शन. आपने टियरफिल्म में तोड़ दी है तो फिर सारे इन्फेक्शन आपको आने वाले हैं. आपको ड्राइनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि लुब्रिकेंट्स ही नहीं है. टीयर्स का काम क्या है, लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करना. तो मैम हमें कुछ करना ही नहीं है, जैसा आप बोल रहे हैं कुछ डालना नहीं है. एक बहुत सिंपल चीज बताती हूँ, जब आप सुबह उठते हैं तो यहाँ पर आपको कचरा जमता है, जिसको हम गिर बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में हम गिर बोलते हैं. वो क्यों होता है, रात भर आपकी आईज क्लीनिंग प्रोसेस में जा रही है, इसलिए सारा कचरा आके जम जाता है. ठीक है, तो क्लीन तो हो गई ना, उसके ऊपर क्या क्लीन करना है. आपने मॉपिंग करने के बाद दूसरी बार मॉप क्यों कर रहे हो, तो जब बॉडी नेचुरली कर रही है. एग्जैक्टली, आपकी बॉडी, मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान सबसे अच्छे इंजीनियर थे, उन्होंने बॉडी को इतने अच्छे से बनाया. अगर आप कुछ भी नहीं करते लेकिन नेचर के हिसाब से चलते, बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आपने उसको डिस्टर्ब किया, इसीलिए ड्राई आईज हुई है. उन्होंने गैजेट्स नहीं बनाए थे, गैजेट्स हमने बनाए हैं. ठीक है, ठीक है. ये सेकेंड जो स्ट्रिप है वो है फ्लोरोसेंट स्ट्रिप. ये जो हम यूज करते हैं स्पेशली कॉर्निया पे, या कोई इंजरी हुई है, या फिर कोई इंसेक्ट अंदर आ गया है और छोटे छोटे फ्लेक्स उसके छोड़ दिए हैं, उस वजह से फॉरन बॉडी सेंसेशन आ रहा है. तो इसको आप थोड़ा सा कोई भी ड्रॉप ले लीजिए, इसको वेट कर लीजिए, और उसके बाद आप लीड्स के नीचे ऐसे रख देंगे तो पूरी आईज ऑरेंज हो जाएगी. ऑरेंज जहां पर मतलब अल्कलाइन और एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो ये ग्रीनिश कलर में कॉर्निया पे और पूरे आईबॉल पे फैल जाता है. जहां पर भी स्मूथनेस नहीं होगी, जहां पर गड्ढे होंगे या कोई एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी होगी, वहां जाके ये कलर जम जाएगा. अच्छा. तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा, जब आप टॉर्च मारेंगे तो आप क्लियर कट दिखाई देगा कि कुछ कुछ तो है वहां पर. अच्छा. आप एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे कॉर्निया की मार्जिन, कॉर्नियल अल्सर हुआ है तो मार्जिन देखने के लिए, फॉरेन बॉडी है तो उसका उसकी मार्जिन. अच्छा. देखने के लिए हम इस फ्लोरोसेंस स्ट्रिप का यूज करते हैं. प्रिकॉशन कि हमेशा इसको करने के बाद कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आप यूज करिए, क्योंकि इसके बाद एंटीबायोटिक, क्योंकि ये अगर स्टेराइल नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक. बट वी आर अलाउड टू यूज, यस वी कैन यूज इट, दिस इज फॉर डायग्नोसिस, नॉट वी आर नॉट ट्रीटिंग इट, इट्स अ डायग्नोसिस, सो वी कैन यूज दैट. यस, जो सबसे सिंप्लीफाइड है ये तो हमेशा होना चाहिए टॉर्च, क्योंकि टॉर्च के बिना डायग्नोसिस. आप बताइए टॉर्च से हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं, सब कुछ, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, टेरिजियम, कॉर्निया के सिम्टम्स बताएं, क्या पेशेंट बोलता है, इवन और होम्योपैथिक स्कोप जो भी. हाँ, कैटरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैटरेक्ट भी एग्जामिन कर सकते हैं इसके थ्रू. और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम होम्योपैथिक से ट्रीट करें, अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा आपको बीच में, मैंने लेंस रखा हुआ है इसके अंदर, तो लेंस आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है. लेकिन जब पेशेंट कैटरेक्ट बोलता है ना तो लेंस का कलर चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद वो व्हाइटिश दिखने लग जाता है. ये मेच्योर कैटरेक्ट में है, लेकिन इफिशेंसी ओपेसिटी दिखाई देती है. अगर वो कम है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का प्लीज हेल्प लीजिए, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लाइनिंग या स्पॉट्स भी दिखाई दे सकते हैं. एटलीस्ट हम कुछ डायग्नोस करके ऑप्थेल्म का रेफरेंस ले सकते हैं. आपके प्यूपिल पे जब भी आप लाइट डालेंगे ना, आपका अगर आप 10 पेशेंट्स देख रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि इनका लेंस नॉर्मल था, इसमें कुछ तो गलत है, इसमें कुछ तो ओपेसिटी है. बस तो वो ओपेसिटी को वॉमिट करके आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक बार चेकअप करवा लीजिए, क्यों ना मना करें. फिर हम कैसे इसमें होम्योपैथिक हेल्प ले, जैसे कैटरेक्ट का है आपने बोला स्टेज 1 या 2, जैसे भी हम बोल सकते, कौन से स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है. अगर छोटे मोटे कैटरेक्ट्स है, देखिए इसमें भी एक ट्रिक है, लेंस बहुत बड़ी साइज का होता है, ठीक है. अच्छा. पूरे पुपुलर एरिया को कवर नहीं करता है, वो सिर्फ सेंट्रल पार्ट को कवर करता है. तो अगर पेरिफरी में आपको कैटरेक्ट है, मतलब कैटरेक्ट पेरिफेरल भी हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है. पेरिफरल है, पूरी जिंदगी बिना विदाउट कैटरेक्ट सर्जरी पेशेंट निकाल सकता है, दवाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं. अच्छा. बीच का जो कैटरेक्ट होता है वो न्यूक्लियर, वही हैम्पर करता है आपके विजन को. विजन अभी पेशेंट बोल रहा है आपको कि मैं रात को ड्राइव करता हूँ और सामने से लाइट आती है और उस वजह से मेरे को दिखाई नहीं देता, आंखें अंधा जाती है मेरे को, बंद करनी पड़ती है, या फिर मेरा नंबर बार बार चेंज हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है. नजदीक के नंबर यूजुअली 1 साल के बाद चेंज होते हैं, सॉरी 5 साल के बाद चेंज होते हैं, जो 40 के बाद हम और 40 के बाद मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ गो फॉर रेगुलर ऑफ्थाल्मिक चेकअप. हाउ पीरियडिकली, कितने महीने पे जाना चाहिए? एवरी ईयर वंस, जैसे आप अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं आई चेकअप जरूर करवाइए. अच्छा. खास अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसा रहता है तो मस्ट
अगर अगर नंबर्स हैं आपके तो एवरी सिक्स मंथ यू कैन गो, लेकिन वन ईयर रेगुलर आई चेकअप इज करवाना, ये बहुत जरूरी है। आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया कि जैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो उसमें पेन, डिस्चार्ज और वो सब रहता है, और कैसे हम डिफरेंट पार्ट को अपने माइंड से समझ के डायग्नोस कर सकते हैं, और दूसरा ये कैटरेक्ट आपने बहुत अच्छे से, एक ग्लूकोमा का अगर आप बोल सकते हो तो कुछ। ग्लूकोमा के अंदर एक तो मिसकंसेप्ट है कि सिर्फ अगर ब्लड आईओपी जो इंट्राऑक्युलर प्रेशर, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का, आई का प्रेशर होता है जो हमारी आईज के ग्लोब को मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है, तो हमारी जो कॉर्निया है वो क्रश नहीं हो जाती है, बराबर, हमारी जो कॉर्निया होती है वो ऐसे पड़ी होती है तो उसके बीच में गैप है, अगर उसमें कोई भी पानी वानी कुछ भी नहीं होगा तो वो कभी ना कभी क्रश हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बीच में पानी होता है, वो पानी को हम एक्वाज्यूमर बोलते हैं। अब वो जो होता है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कॉर्निया के पास खुद के पास वेसल्स नहीं है, बाहर से मिलता है या अंदर से एक्वाज्यूमर को मिलता है। इसका प्रोडक्शन, ये जो दो लेयर है रेटिना और यहाँ जो लेयर है स्क्लेरा और रेटिना के बीच में आपने ब्लू कलर का एक देखा है, तो ये ब्लू कलर का होता है ना, वो वेसल्स का पूरा का पूरा प्लेक्सस होता है जिसको फॉरवर्ड प्लेक्सस बोलते हैं, यहाँ से कॉन्स्टेंटली एक्वाज्यूमर बनता है, बनेगा, यहाँ काम करेगा, फिर ड्रेन हो जाएगा। ओके, लेकिन कोई भी कारण से ज्यादा बनने लगा या ड्रेनेज में कहीं स्टॉपेज आया तो वो क्या करेगा, यही के यही जमेगा, जमेगा तो उसके पास स्पेस कम है तो क्या करेगा, सारा प्रेशर कॉर्निया पे देता रहेगा, आपका इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो हैंडी है, आप भी ले सकते हैं अपने क्लिनिक पे, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, सीखिए पहले किसी से, अगर आपको सीखना है तो हम और भी सेशन रख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपलीफाइड पर थोड़ा मतलब थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेशेंट्स के हिसाब से। I have seen more than thousands of patients, तो मैं confidently use कर सकती हूँ, लेकिन initially I had also a problem to it. So, she or tonometer, ये tonometer जो होता है कॉर्निया पे रखा जाता है, इस ये तराजू की तरह होता है, तो तराजू जैसे मूव करता है तो आपको मार्कर्स दिखाई देते हैं, उस मार्किंग के हिसाब से, और इसके साथ एक चार्ट दिया होता है, ये चार्ट का जो मार्किंग के साथ जो चार्ट में नंबर आता है वो आपका इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो आपका चेंजेस आ सकते हैं, अगर आपने ठीक से नहीं किया तो भी चेंजेस आ सकते हैं, तराजू में अगर हमने प्रेशर ज्यादा दे दिया तो चेंजेस। चलो हम जैसे लोग तो ऑप्टोमेट्रिक रेफरेंस से मान लेते हैं कि ग्लूकोमा डायग्नोस हुआ तो फिर हम होम्योपैथिक में डायग्नोसिस में भी ऐसा है कि आपको ऑप्टिक नर्व भी चेक करवाना जरूरी है, अच्छा, पेरिफेरल विजन भी पेशेंट का चेक करवाना जरूरी है, अच्छा। ग्लूकोमा इज नॉट ओनली इंट्राऑक्युलर प्रेशर, इट इज चेंज इन द पेरिफेरल विजन, इट इज चेंज इन द ऑप्टिक डिस्क, जो ऑप्टिक नर्व है उसकी डिस्क में कितना चेंजेस आया, वो कितना बड़ा घटा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ सिंड्रोम, मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग। हम क्या कंसिडर करते हैं, हमारी बुक में लिखा है इंक्रीज ऑफ इंट्राऑक्युलर प्रेशर इज ग्लूकोमा, वो गलत है, तीनों चीजें जब कॉम्प्लेक्स में आती है तभी वो ग्लूकोमा दिखती है, तब तक तो हमको उसको ऑक्यूलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर सिर्फ प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, अच्छा। अगर पेरिफेरल विजन या तो फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो हम उसको ग्लूकोमा बोलेंगे। ओके, अभी उसमें भी ट्रिक है, अगर नॉर्मल प्रेशर के साथ में भी चेंजेस है पेरिफेरल विजन और ऑप्टिक नर्व में तो भी वो ग्लूकोमा ही है, अच्छा। और अगर लो प्रेशर है पेशेंट का, सपोज 13 के नीचे है, फिर भी ये चेंजेस है ऑप्टिक नर्व और विजन में तो भी वो ग्लूकोमा, तो समझना बहुत जरूरी है। हम तो ग्लूकोमा के डायग्नोस वाले पेशेंट आ गए, अब ये बताओ अभी क्या करना है, हमें लेने हैं केसेस, कब लेने हैं? यूजुअली जो बहुत लॉन्ग टर्म आई ड्रॉप्स पे होते हैं उनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि ड्रॉप्स को टैपर डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सप्रेसिव स्टेज में पेशेंट्स होते हैं, इसीलिए ऐसे केसेस में या मैं प्रॉमिस बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, या उनको बोलती हूँ लॉन्ग टर्म आप चालू रखिए ट्रीटमेंट, एज पर द योर प्रोग्रेशन हम देखेंगे। सेकेंड, ऑप्टिक नर्व बहुत ज्यादा डैमेज हो गई तो उसको रीजनरेट करना बहुत मुश्किल है, तो वो प्रॉमिस कभी मत कीजिए अपने पेशेंट्स को। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स आर वंडरफुल, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली जब पेशेंट फर्स्ट इंस्टेंस पे आपके पास आता है तो रिवर्स होता है, प्रेशर भी कम होता है विदाउट ड्रॉप, रिजल्ट भी अच्छे से मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। मेरे डिसर्टेशंस में काफी पेशेंट, मैंने मोर देन 120 पेशेंट केसेस पे काम किया हुआ है, तब मुझे बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, स्पेशली जब इनिशियल फेज में पेशेंट मेरे पास आया हो कि मैंने उनको, आपको कोई केस याद और छोटा सा हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बता सकते हो कुछ? एक कॉम्प्लिकेटेड केस था बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे नॉर्मल केसेस तो बहुत सारे थे मेरे पास, एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, मेरे ही जो केयर टेकर थे, मैं जहाँ रहती थी वहां पर आनंद में,
एंड वो केयर टेकर को स्पेशली बहुत पेन होने लगा एंड न्यूरालजिक पेन सीवियर न्यूरालजिया होने लगा और उसके वजह से उसका कैटरेक्ट सर्जरी हम लोग प्लान कर रहे थे. लेकिन अचानक क्या होता है कि जब अगर मेच्योर कैटरेक्ट है तो वो इतना फूल जाता है तो वो आपके ड्रेनेज को ब्लॉक करता है जी. तो उसकी वजह से भी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है विच वी कॉल एज अ कैटरेक्ट इंड्यूस्ड ग्लोकोमा. यस राइट. तो हाइपर मेच्योरेशन से इंसान क्यों डरता है कि वो जो बोलते हैं ना ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट की मोतिया फूट जाएगा इतना मतलब दिस इज हाइपर मेच्योरेशन राइट. और या फिर ये डिसलोकेट हो जाए तो इसकी वजह से अगर प्रेशर बढ़ गया तो वो जब तक आप कैटरेक्ट नहीं निकालोगे तब तक उसका प्रेशर मेंटेन नहीं होगा. हाँ. तो ऐसे केस में हमने ऑस्मियम क्योंकि आधी रात को कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था वी हैव स्टार्टेड ऑस्मियम. उसका पेन रिलीज हुआ. अच्छा. उसका प्रेशर पहले से कम हुआ. अच्छा. एंड नेक्स्ट डे जब हमने सर्जरी की उसका विजन बहुत अच्छा रहा. ही वाज हाई डायबिटिक एंड मेरे ही कॉलीग ने उनका सर्जरी किया था एंड हम उसकी आंखों का विजन को बचा सके थे. तो दैट हाउ वी कैन हेल्प द पेशेंट. सर्जरी वी हैव डन सर्जरी वी हैव डन बिकॉज वी हैव नो ऑप्शंस. यू कैन नॉट ट्रीट दिस हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट. Friends understand the limitation. We cannot do it. See, heart disease की तरह इसमें भी limitations है. We cannot do it like एक रात में इस hypermaturation को हमने गायब कर दिया. पर हम complications symptomatically तो कर ही सकते. Exactly. और आपने ये repeated dose में दी थी जो medicine. बहुत frequently दी थी. Frequently में दी थी 30 power में. अच्छा. Osmium is a wonderful remedy for high glycemic condition जहाँ पर pain भी बहुत ज़्यादा prominent होता है. अच्छा. तो osmium एक emergency medicines में होती है. कुछ और भी medicines है. Prunus है. Prunus spinosa is also very good remedy. Left sided agar eyes mein hai to phosphorus again phosphorus and netramur I would say multiple cases mein indicated hoti hai agar symptomatically jaate hain to. Abhi recently humne case dekha tha jisme patient ko vision mein aisa tha ki usko red dikhai deta vision. Really? मतलब जो भी वो देख रहा है. अच्छा. उसको रेड कलर दिखाई दे रहा है. हमको नॉर्मल कलर में दिखाई दे रहा है. उसको रेडिश कलर में दिखाई दे रहा है. हाँ. पेशेंट को चेक करवाया. डॉक्टर ने बोला ऐसा ही रहेगा. कभी कुछ नहीं हो सकता इसका. पेशेंट केम फॉर द आर्थराइटिस ऑफ द जॉ एंड हिस्ट्री में हमें ये आईज का प्रॉब्लम पता चला क्योंकि उसने ड्रॉप्स दिखाई. ये मेरा चल रहा है अब मैं क्या करूँ. उसमें एंटीग्लोकोमिक ड्रग भी था. सब कुछ था. वी हैव स्टार्टेड विद द मेडिसिन. नाउ पेशेंट कैन सी विदाउट दैट रेडनेस. हम उसका पूरा विजन क्लियर नहीं कर सकते लेकिन कुछ रेडनेस थी वो चली गई. पेशेंट की जॉब तो ठीक हुआ साथ में रेडनेस भी चली गई है. तो एटलीस्ट यू कैन हेल्प एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. अदर डिजीज के साथ भी हम कर सकते हैं. यस डॉक्टर. तो आप ये भी बताइए वर्षा जी कि होम्योपैथिक में स्ट्रेट वे कौन से केसेस हमें नहीं लेने चाहिए या फिर हम कौन से केसेस में ट्रीट कर सकते हैं पर पेलिएटिव वे कर सकते हैं कुछ. पेलिएटिव यूजुअली जहां पर डिजनरेशन बहुत ज्यादा हो गया है जहां पर डैमेजेस बहुत ज्यादा जैसे कि हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट है या फिर आपको कॉर्नियल अल्सर एकदम डीप चला गया है. कॉर्निया के 6 लेयर होते हैं. हाँ. अगर चौथे पांचवे लेयर तक चला गया यू कैन नॉट ट्रीट. अच्छा. वो फिर ना डिस्कमेट मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है. डायग्नोसिस में लिखा हुआ आता है कॉर्नियल अल्सर. यूजुअली वो लोग लिखते हैं कि इतना डीप चला गया. अच्छा. है डिस्कमेट मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है. तो वो अगर नहीं तो क्या होगा वो किकी फट जाना जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. वो किकी कब फटती है जब डिस्कमेट मेम्ब्रेन जो लास्ट लेयर के पहले वाला जो लेयर होता है वो सबसे टफ लेयर होता है. अगर वो लेयर टूट गया मतलब ये आईरिस पूरी बाहर आ जाएगी पंच करके बाहर आ जाएगी. तो वो वहां तक आपका कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए. वो आपको ध्यान रखना है. रिजल्ट नहीं मिल रहा प्लीज टेक एन ओपिनियन. हमेशा ओपिनियन के साथ चलिए. आपके पास वैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ये आप ध्यान रख के रखिए. ये सब हैंडी इंस्ट्रूमेंट्स आप इजिली ओपीडी लेवल पे कर सकते हैं. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत मैग्निफाई करके बता रहा होता है तो अगर आपको नहीं पता चल रहा प्लीज रिफर. सेकेंड जो केस है कैरेटोकोनस. अगर ज्यादा कैरेटोकोनस है मतलब कॉनिकल शेप का आपका कॉर्निया हो गया. कॉर्निया यूजुअली ऐसा होता है कॉन्वेक्स शेप में होता है लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से वो कॉनिकल शेप का भी हो सकता है. उसकी वजह से विजन में कॉन्स्टेंट अगर प्रॉब्लम आ रही है वो मोस्टली सर्जिकल होता है. रेटिना के इश्यूज. अगर रेटिना में कुछ ऐसे रप्चर्स हो गए हैं वेसल्स रप्चर्स हो गए हैं आपकी कैपिलरीज बार बार फूट रही है तो आपको सर्जिकली उसको एक बार लेजर देके उसको स्टॉप करके फिर आप अपनी ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं. ऑप्टिक डिस्क पूरी की पूरी डैमेज हो गई हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं. आप सिर्फ पेशेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं. अच्छा. तो वो आप ध्यान रखिए कि आप ये मत कहिए कि मैं पूरा ऑप्टिक नर्व नॉर्मल कर दूंगा और आपको एकदम ठीक कर दूंगा. तो वैसे प्रोमिसेस नहीं. मैं कभी भी फिजियोलॉजी के खिलाफ नहीं जाती. फिजियोलॉजी मैंने ये समझा है कि कुछ चीजें आईज के अंदर वो परमानेंट डैमेज के लिए ही बनी है. वो रिवर्स बॉडी भी नहीं करती है तो आप कहां से करेंगे. वाइटल फोर्स भी उसी चीज को कर सकता है जो फिजियोलॉजिकली कर सकता है. तो हमें गलत प्रॉमिस नहीं. गलत प्रॉमिसेस मत कीजिए. ऐसा कुछ है कि जिसने ऑपरेशन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से सजेस्ट किए या कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट किए स्मॉल और हम कुछ अच्छे से रिजल्ट मैक्सिमम ऑफ द डिजीजेस स्पेशली रेटिना में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उसको अवॉइड कीजिए. उसके अलावा के सारे डिजीजेस आप खुद कर सकते हैं. अच्छा. कैटरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अगर इस कंडीशन में पेशेंट आ गया एकदम व्हाइट कैटरेक्ट हो गया मत कीजिए. उसको छोड़ दीजिए क्योंकि मतलब हम स्टॉप कर सकते हैं इनिशियल कैटरेक्ट या रिवर्स
रिवर्स कर सकते हैं, स्टॉपेज कर सकते हैं. एक बात समझने की जरूरत है, कैटरेक्ट इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डीजनरेटिव प्रोसेस. ओके, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो भी डीजनरेशन है. yes. स्किन की डीजनरेशन रिवर्स कर सकते हैं, तो कैटरेक्ट की भी कर सकते हैं. अच्छा. प्रोटीन और वाटर ड्रॉपलेट्स जो कम होते हैं उसकी वजह से कैटरेक्ट होता है. ड्रॉप्स हम यूज करते हैं क्या इसमें? मैं कोई भी ड्रॉप्स यूज नहीं करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. आई हैव ट्राइड इन माय डिसर्टेशन टाइम. कि कभी पेशेंट ऐसे आ जाते, मेरे पास भी एक आया था कि जैसे ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स है तो आपको कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा. आई एम टेकिंग सिंस 30s और अभी मैं 50 की हुई हूँ तो मुझे नहीं है कैटरेक्ट. इज इट कैटरेक्ट 70 में भी हो सकता है? हाँ, ऐसा थोड़ी ना है, पर ये डिले कर रहा है. अभी क्या है, आपने अगर अच्छा प्रोटीन लिया है, आपने अपने आईज को बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको बहुत लेटर स्टेज में. बहुत लोग ऐसे होते हैं बिना कैटरेक्ट के मर जाते हैं, तो लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि आप बोलते हैं डीजनरेशन है वो तो बिना कैटरेक्ट के मर गया. कैटरेक्ट तो होगा, आपने एग्जामिन नहीं करा, पेरिफेरली होगा तो आपको तो विजन क्लियर दिखाई देगा ना. यस, समझ में. एक स्पॉट में भी होगा लेकिन वो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं है. सर्जरी की जरूरत कब है? जब विजन को ऑब्लिटरेट कर रहा है. yes. अगर विजन नहीं ठीक हो रहा है आपके मेडिसिन से, प्लीज गो फॉर द सर्जरी, क्योंकि पेशेंट का डेली जो काम है वो रुक रहा है. yes, आपको yes. ये समझना है. hmm. वो ऐसे डिसीज से सफर कर रहा है जहां पर उसको ड्राइविंग में इश्यूज हो रहे हैं, डेली रूटीन लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं, तो हमें करवाना. तो अगर आपका सर्जरी ही ऑप्शन है, प्लीज गो फॉर इट एंड देन यू कैन मेंटेन विद द होम्योपैथी. रेस्ट ऑफ द डिसीज आर वंडरफुली ट्रीटेड विद होम्योपैथी. फ्लोटर्स है, ड्राई आईज है, स्टार आई, चेलेजिन, ब्लेफेराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से जो स्क्लेराइटिस और ऐसे डिसीज होते हैं, दे आर आल्सो गुड मेंटेन. क्योंकि आपको ही पता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में वहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो होम्योपैथिक में है. एग्जैक्टली. जो सोरियासिस कर रहे हैं वैसे दूसरे डिसीजेस कर रहे हैं, वैसे स्क्लेरोसिस. तो आपने बहुत अच्छे से ये बताया. मुझे अभी एक और डिटेल जाननी है बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, पर आप हमें कुछ और अच्छे से, जो मायोपिया है अगर उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, हर होम्योपैथ देखता है अगर उसको, तो फिर आगे और भी स्कोप है. आप मायोपिया का थोड़ा बहुत डिटेल अगर बता सकते. मायोपिया इज नथिंग, दूर का कितना आपको दिखता है. हाँ, उसमें नजर अगर कमजोर होती है तो उसको मायोपिया बोलते हैं. अब इसमें क्या होता है कि जब भी रेज आपकी आंख में गिर रहा है, रेटिना पे गिरेगा, फिर आपके ब्रेन पे जाएगा. वो तो सभी को पता है, बीच में लेंस होता है, राइट. अभी जो रिफ्रैक्शन है वो यहाँ से होगा, रेटिना पे इम्प्रेसिंग पड़ेगा, वो ब्रेन पे जाएगा, वो सिग्नल देगा, आपको दिखाई देगा. प्रॉब्लम मायोपिया में कहाँ है? अगर मतलब 5-6 कारण है, जैसे न्यूट्रिटिव वैल्यू का कम होना, विटामिन ई का कम होना, एक्सेसिव लेंस का डिफेक्ट होना, कॉर्निया के शेप में चेंजेस होना, ये भी एक रीजन होते हैं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अलग है. जैसे लेंस आपका कैमरा का होता है, उसका अगर मार्जिन ही अलग है तो उसमें क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी ना. वैसे उसके अलावा एक होता है जो बच्चों से अगर मायोपिया चालू हुआ है 5-6 साल की उम्र से, तो वो होता है जो एनाटॉमिकल मायोपिया. एनाटॉमिकल मायोपिया में कहते हैं जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे आईबॉल की साइज बढ़ रही है. अब जब आईबॉल की साइज बढ़ेगी ना, तो कॉर्निया, लेंस और रेटिना के बीच का साइज बढ़ेगा. यस. तो रेज जो रेटिना पे पड़ना चाहिए वो उसके पहले ही गिर जाएगा, ठीक है. अब आप ये समझिए कि कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी दवाइयां रेटिना के साइज को कम कर सकती है. नेचुरल चीजों को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. जो भी एक्सरसाइज आपको बताई जाती है, कोई भी और कंडीशन आपको दी जाती है, उसमें एक लॉजिक ये होता है कि आपके मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि वो अच्छे से एकोमोडेट कर सके, वो फोकस कर सके, तो आपको क्लियर दिखाई देगा. एडेप्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है, तो वो कुछ केसेस में बात बन जाती है. बात बनती है कहाँ तक, पहले एक समझना है. मायोपिया हम तब मानते हैं कि जब मसल्स रिलैक्स है, फिर कितना विजन हमको दिखाई दे रहा है. Okay. आपने मसल को स्ट्रॉन्ग किया इसीलिए विजन आपको क्लियर है. मसल को रिलैक्स किया वापस, तो मायोपिया तो वही का वही है. आपने सिर्फ इंसान को स्ट्रॉन्ग किया कि वो देख सके. अच्छा. तो ऐसे कंडीशंस के अंदर आफ्टर लॉन्ग टाइम वापस मायोपिया आता है. अच्छा. सो पीपल आर क्लेमिंग फॉर शॉर्ट टर्म ओनली, अगर कुछ ऐसा है तो. बाकी रिफ्रैक्टिव एरर करना, यू कैन गो विद इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सी इट्स योर चॉइस. बट जैसे मैंने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के साथ काम किया है, मैंने जिस तरीके से अपनी स्टडीज की है, उस हिसाब से एनाटॉमिकली अगर आपका मायोपिया है, ये बिल्कुल सही है. कोई कोई मेडिसिन आपकी रेटिना को वापस जगह पे कैसे ला सकती है, यू टेल मी. कोई भी मसल्स आपके रेटिना की साइज, रेटिना और कॉर्निया के बीच के डायमीटर को कम नहीं कर सकते. तो फिर हम उसमें होम्योपैथी क्या हेल्प कर सकते हैं? एनाटॉमिकल है, आई डोंट प्रॉमिस. अच्छा. एनाटॉमिकल है, मैं कोई भी मेडिसिन से नहीं करने वाली हूँ. हाँ, कोई और कारण से आया है
आफ्टर एज ऑफ 18-20 आया है, यस यू कैन डू इट. जैसे फिजोस्टिग्मा इज अ वेरी गुड रेमेडी, नेट्रोमेल इज अ वेरी गुड रेमेडी. जैसे मैंने कहा ना, वो लेडी को रेडनेस दिखाई दे रहा था, वी हैव क्लियर द विजन. अब कितना बढ़ेगा वो एज पर द ट्रीटमेंट. जैसे अगर पेशेंट सेटिस्फाइड है और उसको रिजल्ट मिल रहा है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं. यस, लेकिन आप रेगुलर आई चेकअप करवाते रहिए एवरी सिक्स मंथ. जैसे भी किसी बच्चे को नंबर होता है तब भी हम एवरी ईयर तो बोलते ही हैं, अगर बार बार नंबर चेंज हो रहे हैं तो एवरी सिक्स मंथ आप चेक करवाइए नंबर्स. नंबर्स में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ग्लासेस को अप डाउन आप कर सकते हैं. अच्छा. मेरे ही केस में मुझे नंबर थे लेकिन अभी नहीं है. सो वी कैन डू इट, क्योंकि आफ्टर एन एज मुझे आया था एंड आई नेवर वोर द ग्लासेस. कुछ टाइम किया आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, सो अभी मैं 0.5 जितना मेरा रहा है सिलेंड्रिकल. एरर तो सब में आता ही है. एग्जैक्टली आता है, लेकिन मेरा सिलेंड्रिकल भी था, जो आड़े नंबर जो बोलते हैं वो भी था, लेकिन अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है. मैं एवरी सिक्स मंथ एक बार चेक करवाने जाती हूँ. अच्छा. सो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे थी तो दैट हेल्प मी आउट. सो ऑन माय एक्सपीरियंस आई कैन से माइंड चेंजेस, लेकिन बहुत ज्यादा हो -8, -9, -10 प्रॉमिस इट. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हाइपर जो जाइजेंटिज्म होता है या हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस, मतलब थायरॉयड डिसीजेस होते हैं या हार्मोनल चेंजेस होने से बहुत बार हाइट बहुत लंबी हो जाती है. तो कॉर्निया और इसका जो डायमीटर होगा वो भी इतना बड़ा हो जाएगा. तो मैंने -18 तक के नंबर देखे हैं. -18 यू वोंट बिलीव इट, -18 तक के नंबर मैंने देखे हैं. मैंने खुद चेक किया है अपने हाथों से. आई नो हाउ टू चेक द रिफ्रैक्शन, मैंने किया है. उसमें आप क्या प्रॉमिस करेंगे, -18 से आप कितना ला सकेंगे उसको. और एक बात बोलते कुछ, मतलब मेरी मेड भी बोल रही थी कि होल हो गया है, कुछ पर्दे पे होल है या दब्बा हो गया है, ऐसा कुछ होता है क्या? दब्बा इज लाइक यहाँ पर जो रेटिना है आपका, वहाँ पर कुछ डैमेजेस होने की वजह से, स्पेशली डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिसमें वेसल्स पड़ जाते हैं. आप उसको प्रिवेंट करिए जितना हो सकता है. प्रिवेंशन इज द बेस्ट रिजल्ट इन ऑप्थल्मोलॉजी इफ इट इज इन रेटिना. अच्छा. रेटिना जितना ज्यादा आप प्रिकॉशन लेंगे उतना बेटर है. एवरी सिक्स मंथ डायबिटीज कंट्रोल करना, हाइपरटेंशन कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है. एवरी सिक्स मंथ आप आई एक्सरसाइज आप सजेस्ट करते हो रूटीन में? आई एक्सरसाइज, हाँ, अगर आपको विजन क्लियर करना है तो आप कंजर्वेंट एक्सरसाइज होती है. आप फोकसिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. ब्लिंकिंग एक्सरसाइज फॉर ड्राई आईज आई यूजुअली एडवाइज कि आप एवरी 30 मिनट्स के बाद 3 मिनट्स आप ब्लिंक कीजिए अपनी आंखों को, उससे काफी अच्छा रिजल्ट रहता है. डेक्रोसिस्टेरिस, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आपने देखा होगा उनकी आंखों में से कांस्टेंट पानी निकलता है. हाँ. क्योंकि हमारा जो नेसोलैक्रिमल डक्ट होता है वो डैमेज, मतलब वो पेटेंट नहीं हो पाता, वो खुलता नहीं है, वो बर्थ के पास खुल जाना चाहिए. अच्छा. तो उस वजह से वो ब्लॉक रहता है, तो उसको हम कंजेनिटल डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं. अच्छा. इस केसेस के अंदर हम यूजुअली छोटी अंगुली लेके, अगर बच्चे को यहाँ पर लैक्रिमल डक्ट को लेके अगर आप इधर नीचे की साइड बार बार प्रेस करेंगे, जो मदर भी कर सकती है. अच्छा. 80% केसेस में वो अपने आप खुल जाता है, उसमें कोई डीप मेडिसिन की जरूरत नहीं है. ओके. सिंपल एक्सरसाइज है, पीडियाट्रिशियंस भी एडवाइस करते हैं और यूजर्स वेरी स्टिम्युलेट करते हैं. आप उसको रब कीजिए और उसको नीचे की साइड पुश कीजिए, तो जो भी उसमें जमा होगा या जो भी लेयर नहीं खुल रही है वो खुल जाती है, पेटेंट हो जाता है. पेशेंट बच्चों में वो, मतलब वो वैसे भी 8-9 मंथ के बाद ही सर्जरी हो सकती है, तब तक आपके पास टाइम होता है. अच्छा. तो हम कुछ हेल्प कर सकते हैं. अगर ये छोटी एडवाइस के साथ आप होम्योपैथिक देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट. एटलीस्ट आपके पेशेंट्स को भी पता है कि आपको रियलिटी पता है क्या कर सकते हैं. वही, एज अ होम्योपैथ वी हैव टू बी वेरी क्लियर फॉर डायग्नोसिस, अवर लिमिटेशंस और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. आप अभी मुझे यही भी पूछना था 2-3 लाइन्स में, अगर आप बता सकते हो डॉक्टर कि हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या कुछ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर आप कुछ सजेस्ट करते हो. ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट से ज्यादा आप रेगुलरली अपने आईज का कैसे केयर रख सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा. आपकी आईज को जरूरत है हाइजीन मेंटेनेंस की. बराबर. हाइजीन मेंटेनेंस में एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे आंखों को मत धोइए पानी. Yes. पानी लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी आईज में कुछ भी मत डालिए, वो त्रिफला का पानी, कुछ भी मत डालिए आप. त्रिफला वाला पानी नहीं, कुछ भी नहीं. हम नहीं, मैंने मेरे ऑप्थेल्मिक 5 साल की जो मैंने डॉक्टर्स के अंडर में काम किया, मैंने कभी किसी को नहीं सुना ये सब यूज करते हुए, बल्कि मैंने कॉम्प्लिकेशन देखे उसके बाद. अच्छा. जैसे कि गाँव में आदत होती है कि कॉर्नियल अल्सर हुआ है तो वहां पर सिंदूर लगा देते हैं वो लोग, वो नॉन हीलिंग अल्सर में ले जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप जीपी प्रैक्टिशन भी कर रहे हैं तो आपके पास कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं और आपको नहीं पता है कि वो और कोई डिसीज से सफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आईज के, अगर पेशेंट को कॉर्नियल अल्सर है, नेवर प्रिस्क्राइब स्टीरॉयडल ड्रॉप्स, वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा. डोंट डू इट.
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, हीलिंग अल्सर्स को नॉन हीलिंग में कन्वर्ट कर देता है, पता ही नहीं होता है। और यही कह रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है डोंट डू इट, आप कोई भी ड्रॉप्स मत लीजिए, सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे, इट्स ओके, आपने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, ट्रीट हुआ है कि नहीं हुआ है बाद में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देख लेगा, अगर आपको नहीं पता आप मत कीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि पेशेंट को कैरेटाइटिस है, कॉर्नियल अल्सर है, कैरेटाइटिस में आप दे सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर है और सेकेंड ग्लोकोमा, इनमें दो में कभी भी स्टीरॉयड दिया नहीं जाता है, स्टीरॉयडल डिपेंडेंट ग्लोकोमा भी होता है, ओके, तो स्टीरॉइड्स की वजह से ग्लोकोमा को एग्जाग्रेट होता है, एग्रावेस्ट होता है, तो मत दीजिए वो, अगर आपको नहीं पता है कोई लेयर डैमेज है आईज के अंदर, डेबल प्रिस्क्राइब। वैसे तो वी आर नॉट एक्चुअली लीगली कि अगर आप घर के कोई पर्सन है और हेल्प करने जा रहे हो तो डोंट गो विद द रॉन्ग वे, इवन आपके पेशेंट्स अगर यूज कर रहे हैं, आपके पास दूसरे ट्रीटमेंट लेने आए हैं, ड्रॉप्स लेके आए कि ये भाई ये डॉक्टर ने मुझे दिया था, हाँ, आपको पता है ये नहीं है तो बंद करवाइए उसको, ये भी आपका ही फैक्टर है ना, वो आप उसी में आते हैं। थर्ड जो है हाई एंड ओनली मिशन, डेफिनेटली देखिए सिर्फ होम्योपैथ के हिसाब से ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं है, प्रिवेंशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का भी कॉस्मेटिक यूज मत कीजिए, अपना खुद का कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं पढ़ाने जाती हूँ लड़कियों को, खास बोलती हूँ क्योंकि हॉस्टल लाइफ में या जब भी हम फ्रेंड सर्कल में होते हैं एक दूसरे का कॉस्मेटिक, काजल यूज करना, मस्कारा यूज करना, प्रॉब्लम बढ़ जाता है डेफिनेटली, क्योंकि एक ने यूज किया उसी को आपने यूज किया विदाउट मतलब उसको ठीक नहीं किया, उसको इन्फेक्शन होगा वो आपको लगेगा ही लगेगा, तो कॉस्मेटिक्स बहुत बड़े रीजंस होते हैं इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के, सोच भी नहीं सकते, नहीं मतलब सकते। अगर आपके घर पे किसी को डैंड्रफ का इशू है, मतलब डैंड्रफ नहीं सॉरी लाइस का इशू है, एक दूसरे का टाइल्स यूज मत कीजिए, क्योंकि आपको भी होगा, वहां से भी ब्लेफेराइटिस होता है बहुत बार, जिनको जुए रहती है ना माथे में, तो ये हाइजीन वाली बात होगी कि जो आपको मस्ट फॉलो करना है, एंड जिनको डैंड्रफ का इश्यूज रहता है उनको जो जैसे बेबी शैम्पूज आते हैं उनसे आपकी लीड आप रेगुलरली साफ कीजिए, हफ्ते में अगर आपको नहीं है तो हफ्ते में एक बार, अगर है तो हफ्ते में दो बार या डेली भी आप कर सकते हैं, उससे आपके जो लीड्स है वो क्लीन रहेंगे तो जल्दी हील होता है। यस यस, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्षा, बिकॉज आपने ये जो बातें बताई ना, भले ही हम दवा ही तो फाइंड करेंगे पर अगर पेशेंट आता है तो अपनी बात तो अपने डायग्नोसिस अपने कॉन्फिडेंस से हम बिल्कुल अपनी जो अपना होम्योपैथी का फर्स्ट एफोरिज्म है वो सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा बना रहता है, हम केसेस लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे, ये टेक होम मैसेज अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को दे सकते हो कुछ, और क्या पढ़ना चाहिए एक्स वाई ज़ेड कुछ? बुक्स में बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है थेरापेटिक्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी को लेके। अच्छा, कुछ पॉइंटर्स जैसे कि ए बी नॉर्टन करके बुक है, उसमें ऑफ्थेल्मिक थेरापेटिक्स काफी अच्छे से दिया हुआ है, उसमें स्पेशली उन्होंने ऑफ्थेल्मिक के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप कैटरेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप बर्नेट को पढ़ सकते हैं, क्रॉम्पटन बर्नेट जो है उन्होंने कैटरेक्ट के ऊपर बुक लिखी हुई है, तो वो हमारे होम्योपैथी में ही है, ए बी नॉर्टन है, बर्नेट है, तो इन दो की बुक्स आप कर सकते हैं। अगर आपको रेपर्टरी फाइंड आउट करना है तो केंट की आई सेक्शन पे आ जा सकते हैं, उन्होंने काफी कुछ कवर किया हुआ है, एंड बोरिक की जो सेक्शन है वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है, उसमें काफी सारे डिसीज, आपको डिसीज का नाम पता होगा तो आप उसमें से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी रेयर रेमेडीज है जिनमें आई सेक्शन बहुत अच्छा दिया, जैसे फिजोस्टिग्मा है या फिर ऑस्मियम है, प्रूनस है, तो ये सारी रेमेडीज जो होती है उनका भी बहुत अच्छा उल्लेख हमारी बोरिक में दिया गया है। हर मेडिसिन का आप डिफ्रेंसिएशन समझिए, उनके वर्ड्स का मीनिंग समझिए, आपके पेशेंट में अप्लाई कीजिए, यू विल फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, पर अगर आपको पता है, आप जानकारी रखते हैं और अपने पेशेंट्स को एक ऑथेंटिक रिजल्ट दीजिए, तो आपके होम्योपैथी हमेशा काम करेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्षा, आपने इतना टाइम निकाला और इतना इंसाइटफुल जो इन्फॉर्मेशन दी है, पर पहले आप व्यूअर्स प्लीज गिव अस फीडबैक थ्रू द कमेंट बॉक्स, एंड आपको क्या नेक्स्ट चाहिए आप बता सकते हैं। थैंक यू।